हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपको तो पता है 2023 आज है, तो गाइस नए साल में नया कुछ तो इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं। आज हम चिकन की पार्टी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ फ्रेंड यहाँ पर बैठे हैं, तो अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हमने लाई हैं और क्या क्या बनाने चाहते हैं हम। आप यहाँ पर देखिए, सब यहाँ पर फ्रेंड बैठे हैं अभी। तो ये देखिए, और यहाँ पर ये छोटी आमू है, और यहाँ पर देखिए ये आचारी, और ये आरबाज। यहाँ पर पूरा यहाँ पर मटेरियल हमने लाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे फुल आपको पूरा दिखाऊंगा प्रोसेस कि कैसा कैसा ये बनाना है चिकन। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो गाइज यहाँ पर 7 लोग हैं अभी मैं ही एक, और ये यूसुफ है, और यहाँ पर ये खुद अपने अपने नाम बोलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हुसैन, ये मुद्दर सिर, और ये प्यारी सी अम्मू, और अभी एक फ्रेंड। तो गाइज ये मुद्दर सिर है, और इसके भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको पूरा ये वीडियो कंप्लीट दिखाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो गाइज अभी ये मसाले भर बीच में यहाँ पर रख दिए हैं ये प्लेट के। तो अभी दही डाला जा रहा है, और अभी ये चिकन के पूरा ये पेस्ट लगाएंगे। तो गाइज ये दो चिकन हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर धो लेना है। तो गाइज अभी ये पूरा ये धो रहा है ये आरबाज। ये देखिए ये ऊपर कर मुंडी, ये आरबाज ये धो रहा है पूरा पूरा साफ करके इसे लकड़ी में फंसाएंगे मसाला लगा के। ये देखिए यहाँ पर मसाले, ये मसाला इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे। तो अभी कट मार रहे हैं यहाँ पर आरबाज। यहाँ पर एक ये हमने सलाइन लिए है, ये रॉड के अंदर ये मुर्गी हम फंसाएंगे। यहाँ पर देखिए ये चिकन अभी इस पर पेस्ट लगाया जा रहा है, और यहाँ पर ये अरबाज इसे काट रहा है यहाँ पर। बहुत ही भाई, मैं इसको बहुत ही अच्छा लगता है इसे काटने के। ये हुसैन भाई हमारे लगा रहे हैं यहाँ पर पेस्ट, पूरा हो चुका है, अभी इसकी बारी है। सो गाइस ये फाइनल हो चुका है, अभी चिकन मसाला फुल लगा कर हो चुका है। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है यहाँ पर चिकन हम लगाएंगे। तो यहाँ इसके नीचे अभी आग लगानी पड़ेगी, तो अभी आग लगाते हैं। आग लगा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये कोयला, इतना कोयला है, बहुत सारा होगा यहाँ पर। तो अभी ये इसके ऊपर पूरा कोयला करेंगे, उसके बाद ही हमें चिकन इसके ऊपर रखेंगे। ये चिकन यहाँ पर ये तार के अंदर फंसा रहे हैं अभी हुसैन, तो इसे तार से लपेटना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये नीचे गिरे ना। तो गाइस अभी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने फूल ये नीचे कोयला डालकर फुल आग लगा दी है। तो अभी ये पूरा इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर सलाई रखेंगे और मुर्गी भी रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर, सो गाइस अभी इसे तार से फुल यहाँ पर बांध दिया है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये नीचे गिरे ना, और फुल ये पकेगा और घुमाना भी पड़ेगा इसे।
और गाइस मैं पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको दिखाऊंगा जो कि इसके ऊपर हम रखेंगे। तो गाइस हमें तो पहले लगा यहाँ पर ये सलाई के ऊपर यहाँ पर चिकन ये बैठ जाएगा और अच्छे से घूम जाएगा, पर भी गाइस इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ ये घूम ही नहीं रहा था, इसलिए हमने लकड़ी का इस्तेमाल करा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी के अंदर ये फंसा दिए है चिकन, और यहाँ पर देखिए नीचे अभी कोलसा हमें कम पड़ रहा है तो इसके ऊपर अभी तेल लगाना बाकी है। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए पूरे कैसे बैठे गोल, तो ये देखिए गाइस ये पूरा चिकन। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चिकन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और यहाँ पर इसका कलर देखिए गाइस अभी ये केसरी कलर है, तो ये कलर काला हो जाएगा पूरा गाइस, पूरा पक जाएगा, अभी थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी लग रहा है गाइस, अभी तो रहा नहीं जाता। तो गाइस यहाँ पर इसे फुल पकने देते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है यहाँ पर आप देखिए, और अभी इसके ऊपर तेल लगाएंगे। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा कोयला कम पड़ा है, तो यहाँ पर दो फ्रेंड गए हैं घर से लाने के लिए, तो अभी आते ही होंगे। तो गाइस यहाँ पर दो फ्रेंड तो आ चुके हैं, उनके हाथ में भी कोयला दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने तो बहुत सारा यहाँ पर कोयला लेकर आए हैं। अब थोड़ा थोड़ा कर कर इसके अंदर डालते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पर कोयला लाल लेकर आया है यारबाज, तो अभी इसके अंदर नीचे डालेंगे और वो आधा तो पक चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे दोस्त यहाँ पर ये चिकन को पका रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा अरबाज भाई ने यहाँ पर कोलसा लेकर आए हैं घर से, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर कोयला करना पड़ता है क्योंकि कोयला करने के बाद उसकी एक गर्माहट उसे पहुँची वो चिकन को, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से पक जाता है, और पूरा मसाला और तेल पूरा उसे लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पर रेडी हो रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड यहाँ पर बैठकर यहाँ पर पका रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए। तो गाइज इस ये चिकन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है गाइज, लाइक तो ज़रूर करना गाइज, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और गाइज आपको एक बात बता दूं, ये 2023 का जो दिन है फर्स्ट दिन, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हमारा यादगार होने वाला है, तो यादगार तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर पूरे फ्रेंड यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं 2023 को। पूरा पक्के रेडी हो चुका है, तो अभी इनके चेहरे देखिए, मेरा भी देखिए गाइस, सुबह से भूखे हैं और इसे 2 घंटे लग चुके हैं पूरे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है, इसका पूरा चेंज हो चुका है कलर। और यहाँ पर देखिए सब लोग यहाँ पर खाने के लिए उतावले हो चुके हैं, और यहाँ पर देखिए ये अरबाज का मुँह, अरबाज ये देखिए कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने के लिए बहुत ही बढ़िया लगने वाला है अभी। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो अभी इसे टेस्ट भी करके देखेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा यादगार होने वाला है, और नए साल में नया कुछ तो एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस कुछ देरी के बाद यहाँ पर सनसेट होने वाला है, और पूरे 3 घंटे लगे यहाँ पर हमें पूरा यहाँ पर वो पकने के लिए। और वहाँ पर आपको चिकन दिखाता हूँ, वहाँ पर फ्रेंड बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस, और बहुत ज़्यादा मुँह को पानी छूट रहा है। तो अभी कुछ ही देरी के बाद यहाँ पर सनसेट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए कैसा वो उसका कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पर देखिए आगे ज़्यादा। तो यहाँ पर कुछ थोड़े से प्याज नींबू और टमाटर यहाँ पर काट लेते हैं, और ये चिकन के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। यहाँ पर आ चुका है ये चिकन, तो अभी इसके अंदर रखते हैं यहाँ पर,
सो गाइस यहाँ पर ये तार यहाँ पर बांध दिए थे तो अभी ये निकाल रहे हैं, अभी तार निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर रेडी है यहाँ पर देसी चिकन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो अभी हम ट्राई करते हैं और यहाँ पर देखिए नींबू प्याज और टमाटर यहाँ पर रेडी है और इसके साथ ये देसी चिकन। तो गाइज यहाँ पर आप चिकन देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और ये देखिए फ्रेंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है चिकन खाने के लिए। तो अभी मैं भी बैठ जाता हूँ इनके साथ खाने के लिए। तो चलिए गाइज मैं बैठता हूँ यहाँ पर खाने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड लोग पूरे बैठ चुके हैं तो अभी खाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रोटियाँ भी लाए हुए हैं और यहाँ पर देखिए ओ भाई पूरा यहाँ पर एंजॉय करेंगे। और गाइस 3 घंटे लगे हमें इतना करने में। यहाँ पर देखिए ये चिकन, 2 चिकन है यहाँ पर, कैसा है टेस्ट उसका करके दिखाता हूँ। सुपर गाइस सुपर, मजा आ गया। यहाँ पर देखिए पूरे भाई लोग यहाँ पर भिड़ रहे हैं इसे। ये तो देखिए यहाँ पर क्या नहीं ना ऊपर से और ये देखिए यहाँ पर छोटे अम्मू इसे काटेंगे। ये देखिए गाइस चिकन तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और अभी तो मैं ये खाने के चक्कर में आपको पीछे से बोल रहा हूँ क्योंकि वॉइस ओवर करके बोल रहा हूँ। और ये है हमारा आचारी जो कि इसने ही मसाला बनाया है ये चिकन के लिए और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी बना है। और यहाँ पर देखिए पूरे फ्रेंड लोग यहाँ पर भीड़ भीड़ रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर चिकन बॉडी से यहाँ पर प्लेट भर कर ये चिकन है और ये 2 मुर्गियों का चिकन है गाइज़। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है गाइज़। इतना ही था इतना बेहतरीन और इतना अच्छा बनाया बनेगा। तो ये हुसैन भाई ने यहाँ पर उसे पूरा मसाला रेडी किया है। तो हुसैन भाई क्या कहना चाहते हो अपने मसाले के बारे में? तो गाइज बहुत ज़्यादा शर्मा था। ये देखिए मेरा लेग पीस है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बना है और इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मस्त आ रहा है। तो आर बार कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो गाइस पूरे फ्रेंड यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पर अभी चिकन बचा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अभी खाने के बाद मिलते हैं आपको। चिकन तो फुल खा के हो चुका है तो पूरा ख़त्म कर दिया और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तो गाइस 2023 को नए साल को एंजॉय किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आया होगा, फुल एंजॉय कर दिया है। तो अभी इस वीडियो को इस छोटे से मेरे ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज। और गाइज फिर से एक बार 2023 की आपको बहुत 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 हार्दिक शुभेच्छा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको।